हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आशीष सर और आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस। तो जैसा कि गाइस कल मैंने आपको बताया था कि हमारे सामने होता क्या है कि जब भी हम किसी के सामने पहुंचते हैं और कोई हमारे सामने इंग्लिश में बात करना शुरू करता है तो हमें क्या लगता है कि जस्ट ही इज़ गोइंग टू किल अस, ही इज़ जस्ट मेकिंग अ प्लान टू ब्लफ अस इन फ्रंट ऑफ अदर। दूसरों की नज़र में हमें वो क्या करना चाहता है, गिरा देने की कोशिश करता है। हमें ऐसा फील होता है, क्यों? क्योंकि वी आर अनेबल टू रिप्लाई हिम इन अ प्रॉपर वेज, दैट्स वाई वी आर कन्फ्यूज इन फ्रंट ऑफ हिम। सो आई वुड लाइक टू टेल यू फर्स्ट दैट देर इज़ नो नीड टू बी वरी अबाउट इंग्लिश, एज इंग्लिश इज़ द ईजिएस्ट थिंग्स एंड यू आर एबल टू फेस दैट ऑल थिंग्स वेल। तो आपको अच्छे से पता है कि इंग्लिश इतनी ईजी हो जाएगी आपके लिए कि जितनी आपके लिए हिंदी आसान नहीं होगी उससे भी हिंदी से भी आसान आपके लिए इंग्लिश होने वाला है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप अपने क्लास के साथ रेगुलर जुड़े रहिए, एक घंटे 15 मिनट 20 मिनट जो भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं। इसीलिए मैं बहुत लंबा वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं कर रहा हूँ कि लंबा वीडियो होगा तो आप उबने लगते हैं। कम समय में बेहतर करना है तो आप अपने क्लास के साथ, टॉप 10 क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हैं। इट्स माई फुल कॉन्फिडेंस, इफ यू आर ईगर टू डू समथिंग देन डेफिनेटली यू कैन डू समथिंग वेल। सो Yesterday, whatever we have read, that was another. And today we will talk a word which is going to often confuse us. कभी कभी हमें एक word मिलता है वो ज़्यादा confuse करता है, जिसे हम कहते हैं चाहिए। चाहिए के लिए हम बहुत सारा word use करते हैं, जैसे मुझे यह झोला चाहिए, हाँ मुझे यह कलम चाहिए, मुझे यह किताब चाहिए, ठीक है, तुम्हें डर से कांपना चाहिए, तुम्हें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसे घर जाना चाहिए, तुम्हें घूमना नहीं चाहिए, क्या तुम्हें भीख मांगना चाहिए। इस तरह से चाहिए का वर्ड इतना सारा हमारे सामने आ जाता है कि हम कन्फ्यूज होते हैं कि करें क्या। तो जब भी गाइस हमारे पास चाहिए वर्ड आता है तो हमारे पास बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। वैसे तो चाहिए के लिए आपके पास कई वर्ड होते हैं, शुड का मीन्स भी चाहिए होता है, मस्ट का मीन्स भी चाहिए होता है, वांट मतलब चाहिए होता है, और ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है। इस तरीके से कई वर्ड होते हैं चाहिए के। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सिंपल वे में आते हैं, एक सिंपल सेंटेंसेस में आते हैं, सेंटेंस को गेस करते हैं कि हम किस तरह से किसी को फेस कर पाएंगे, किस तरह से उसको हम नॉर्मल बना पाएंगे। उसके बाद हम डिफरेंसेस बताएंगे आपको कि कहाँ पर शुड लगता है, कहाँ पे मस्ट लगता है, कहाँ आस्क लगता है, कहाँ पे नीड लगता है। सबको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार सबका हम प्रैक्टिस कर लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, शुड। शुड का मतलब क्या होता है गाइज, चाहिए। तो चाहिए के लिए हम पढ़ते हैं चाहिए इज अ जस्ट शुड इज अ ऑर्डिनरी वर्ड, इट्स नॉट अ टू क्रिटिकल एंड देर इज नो एनी कंडीशन फॉर इट, सो दैट इज अ सिंपल सेंटेंसेस। सो वी हैव टू टॉक अबाउट शुड टुडे। तो मैंने आपको लिख रखा है शुड मतलब क्या होता है, चाहिए। चाहिए के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, आपके लिए स्ट्रक्चर तैयार किया है। सब्जेक्ट यानी कि आपका पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियोस में भी आपको हमने दिया था कि पॉजिटिव मतलब क्या होता है, व्हेन एनी काइंड्स ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव वर्ड विल नॉट कम इन द सेंटेंसेस देन वी शैल नो इट इज पॉजिटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का नकारात्मक अथवा प्रश्नवाचक शब्द नहीं आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो डेफिनेटली दैट इज पॉजिटिव। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड टू डू समथिंग डिफर, इट्स नॉट अ हार्ड थिंग्स, इट्स नॉट डिफिकल्ट। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू बी एक्साइट, यू आर गोइंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड, देन इट विल बी क्रिटिकल फॉर यू। आप अगर किसी वर्ड को देखे, किसी सेंटेंस को देखे, उसमें आपको डिप्रेशन हुआ, यार मुझे तो आता ही नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये आपके लिए क्रिटिकल होते जाता है। सबसे पहले आप आसान भाषा में आइए, सबसे पहले आप खुद को समझने की कोशिश कीजिए कि आप में वो पावर है, आप में वो क्षमता है, आप कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑप्शन हम करते हैं स्ट्रक्चर की, सब्जेक्ट प्लस शुड, उसके बाद क्या लिखना है आपको, वर्ब फर्स्ट आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट देन ETC। अब हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे आपको डर से कांपना चाहिए, क्या बता रहे हैं, आपको डर से कांपना चाहिए। सडनली आप जा रहे हैं, अचानक आपके रास्ते में सांप आ गया और सांप देखते ही आप थर 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 कांपने लगे कि न तो आगे भाग सकते हैं न पीछे जा सकते हैं, अब ये तो काटेगा, ये तो डंक मारेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कहते हैं आपको डर से कांपना चाहिए। तो आपको डर से कांपना चाहिए, सबसे पहले हमने सेंटेंसेस बनाए हैं क्या, कि आपके लिए क्या होता है, आपके लिए होता है यू। आप हो या तुम हो, हम इन दोनों के लिए क्या यूज करते हैं, यू यूज करते हैं। तो आपको चाहिए, आपको चाहिए क्या, कांपना, आपको चाहिए कांपना। यू शुड ट्रम्बल, कैसे, डर से, विथ फियर। जैसे हमें धूम्रपान
नहीं करना चाहिए। हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए मतलब धुएं वाली चीजें जैसे बीड़ी हुआ, सिगरेट हुआ, ठीक है, तो इसको हम धूम्रपान में लाते हैं। तो किसको? हमें की इंग्लिश क्या होती है? वी के बाद चाहिए की इंग्लिश क्या होती है भैया? शुड। हाँ, बोलते जाइए आप लोग, सिर्फ लिखिए नहीं, लिखने का काम बिल्कुल मत कीजिए, लिखने से ज्यादा समझने का काम कीजिए। यू नो इट हैज बीन स्पोकन दैट इंग्लिश इज इजियर देन अदर लैंग्वेज इफ यू आर जस्ट ईगर टू डू समथिंग। बोलते तो है ही नहीं आप लोग, केवल लिखने का काम करते हैं। लिखने से आपको आने वाला नहीं है। जस्ट स्पीक अलोंग विथ मी, जस्ट टॉक विथ मी, स्पीक योर बीप्स इन फ्रंट ऑफ अस। हम लोगों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, अपने सेंटेंसेस को व्यक्त करो। जितना सेंटेंस बोलोगे, जितना एक दूसरे से कन्वर्सेशन करोगे, जितना कम्युनिकेशन करोगे, दैट विल बी स्ट्रॉन्गर फॉर यू। तो आज हम देखते हैं हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो वी शुड। उसके बाद निगेटिव वर्ड आ गया है, तो नॉट क्या? स्मोक। वी शुड नॉट स्मोक, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जैसे क्या आपको मेले में जलेबी खाना चाहिए? भाई आप मेले में गए हैं तो जलेबी तो अमूमन से सिंपल सी ऑप्शन है कि क्या आपको मेले में जलेबी खाना चाहिए। देखिए क्या सबसे पहले आ गया, हमने आपको कई बार बताया, वंस अगेन, इफ देयर इज अ व्हाट वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस देन देयर इज नो नीड ऑफ इज इट्स अ क्वेश्चन वर्ड। अगर सेंटेंस के प्रारंभ में कभी भी क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो हमें उसकी अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उस टेंस को हम कहां से शुरू करते हैं? सहायक क्रिया से शुरू करते हैं, और सहायक क्रिया क्या है आपका? शुड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? शुड को यूज करते हैं, तो शुड हो गया। अब शुड के बाद क्या करेंगे? आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू। शुड यू क्या करना है भैया? खाना है। खाने की इंग्लिश क्या होती है? इट होती है। शुड यू ईट, शुड यू ईट क्या खाना है? जलेबी। आप लोग नॉर्मली कह लेते हैं भैया क्या कहते हैं? राउंड स्वीट। राउंड स्वीट को जलेबी बोलते हैं। हाँ होता है राउंड स्वीट मतलब जलेबी। उसके अलावा एक वर्ड होता है, क्या मालूम है? फनल केक। क्या होता है? फनल केक, ठीक है। तो शुड यू ईट फनल केक, क्या आपको जलेबी खाना चाहिए? कहाँ पर? इन फेयर। इन फेयर किस? और कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। जैसे हमको धूप में गीले कपड़े क्यों डालने चाहिए? ठीक है, हमको धूप में गीले कपड़े क्यों डालने चाहिए? तो सबसे पहला ऑप्शन होता है क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। आफ्टर दैट शुड। वाई शुड हमको की इंग्लिश क्या होती है? वी। वाई शुड वी क्या करना है? डालना है। डालने की इंग्लिश क्या होती है? पुट। वाई शुड वी पुट क्या पुट कर रहे हैं भैया? गीले कपड़े। गीले कपड़े की इंग्लिश होती है वेट क्लोथ्स, ठीक है। Why should we put the wet clothes कहां पर? In sunshine. In sunshine, ठीक है। चलिए हमने आपको क्लियर किया, अब आपको समझ में आ गया होगा should। Should की इंग्लिश क्या होती है? चाहिए। मैंने आपको बताया कि चाहिए के लिए केवल एक वर्ड नहीं होते हैं, चाहिए के लिए 6 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। Should के साथ यूज करते हैं, मस्ट के साथ यूज करते हैं,